योगा विद रानी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कोर मसल्स के अंदर जब फैट जम जाता है ना तो वो ख़त्म करना है, उसके बाद लोअर बेली के अंदर जो फैट जम जाता है वो भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए आज बेस्ट एक्सरसाइज दोस्तों, जी हाँ, आज स्टैंडिंग में कुछ वर्कआउट करेंगे। स्टैंडिंग में ही वर्कआउट करके हम अपना पेट का अंदर का और लोअर बेली का जो फैट है वो कम करने वाले हैं दोस्तों। बहुत आसानी से कम होने वाला है ये, बस आपको 5 एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप सुबह के टाइम में आराम से करना है दोस्तों। सुबह जैसे ही उठोगे ना वो एक्सरसाइज आप 10 मिनट के लिए कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपके पास इवनिंग में भी टाइम ही है तो आप इवनिंग में भी ये एक्सरसाइज 10 मिनट के लिए ज़रूर करना है। आपको देखना डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आपका 10 दिन में 3 किलो वजन आसानी से कम होने वाली एक्सरसाइज है। बहुत आसान है और आपके वजन कम करने वाली एक्सरसाइज है दोस्तों। तो पहले एक्सरसाइज में क्या करेंगे दोस्तों, आप जैसे खड़े हो ना वैसे खड़े रहना है और हल्का सा जंप करना है और अपने ज़मीन को आपका टैप करना है, फिर वापस आना है, फिर एक जंप करना है और स्क्वैट लेके अपने ज़मीन को टैप करना है दोस्तों। ये एक्सरसाइज आपको 50 टाइम्स करना है, 25-25 के दो सेट करके ये एक्सरसाइज आप इजीली करना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपना पहला वाला एक्सरसाइज। रिलैक्स दोस्तों, आपके लिए ये बहुत हेल्प वाली रहेगी। इसी में मैं दूसरी एक्सरसाइज आपको देती हूँ, सेम ऐसी ही है। तो क्या करेंगे, अपने दूसरे एक्सरसाइज में हाथों को जोड़ के रखना है और अपना स्क्वैट लेना है, ज़मीन को लगाना है और ऊपर लेके आना है, ज़मीन को लगाना है और ऊपर लेके आना है, स्क्वैट लेके नीचे बैठ के ज़मीन पे लगाना है और फिर ऊपर लेके आना है, जो आपका फुल बॉडी का वेट भी लॉस हो जाएगा और जो आपका लोअर बेली का और बेली का जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप 50 टाइम्स करना है, इसके भी 25-25 के दो रेपिटेशन करके ये एक्सरसाइज करनी है। गैप ज़्यादा लेना है, एक स्क्वैट लेना है, वापस स्क्वैट लेना है, वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी में तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज में क्या करना है, एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है आप और क्या करना है, दोनों हाथों को बस टर्न करके वॉल को लगाना है, दोनों साइड से टर्न करना है, जिसमें बेली का सारा फैट, साइड फैट और लोअर बेली के ऊपर भी इसका प्रेशर आने वाली एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप 100 टाइम्स करनी है, स्टैंडिंग में ही है, बस टर्न करके करना है। ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स करनी है, 50-50 के दो रेपिटेशन करने हैं दोस्तों। ईजी है और आपका फैट कम करने वाली है। शुरू करते हैं अपना तीसरा वाला वर्कआउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
चौथा वाला एक्सरसाइज इसी में करेंगे। स्क्वैट लेके दोनों हाथ नीचे लेके जाना है, फिर वॉल को क्रॉस होके वॉल को लगाना है, फिर क्या करना है दोनों हाथों को फिर से नीचे लेके जाना है, फिर क्रॉस करके वॉल को लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एक्सरसाइज आप 50 टाइम्स करना है, 25-25 के दो सेट करके इजीली करना है, जो डायरेक्टली आपके लोअर बेली और बेली के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाली एक्सरसाइज। दोस्तों ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपका फैट कम करने वाली है, लोअर बेली का भी और बेली का भी, उसके साथ साथ थाई का भी। जब आप स्क्वैट ले रहे हो आपका थाई का भी इसमें एक्सरसाइज हो जाता है, आपके फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, आपका 10 दिन में 3 किलो वज़न आसानी से कम होने वाला है। आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा इन एक्सरसाइज से। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।